दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो वोटर कार्ड है अगर हमारा गुम हो जाता है या फिर हमारे पास जो पुराने वोटर कार्ड है उसके लिए हम पीवीसी वोटर कार्ड घर बैठे फ्री में अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर आपके वोटर कार्ड के लिए पीवीसी वोटर कार्ड अप्लाई करना चाहता है या फिर अगर आपके पास कोई भी वोटर कार्ड है और आपका वोटर कार्ड गुम हो चुका है तो दूसरा एक वोटर कार्ड नए घर बैठे कैसे मंगा सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अगर एक एंड्रॉयड यूजर है तो गूगल के प्ले स्टोर में, और आप अगर एक आईफोन यूजर है तो एप्पल के ऐप स्टोर से आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एप्पल के ऐप स्टोर पर जाएंगे। उसके बाद हमें एक एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन ये जो एप्लीकेशन है इसको आपको जो है आपके फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से काफ़ी आसानी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें। तो ये एप्लीकेशन को ऑलरेडी हमने जो है हमारे फ़ोन में इंस्टॉल करके रखे हैं, तो हम सिंपली इसको ओपन करेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन में आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है इसका जो फीचर्स है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो कैसे करना है उसके लिए आपको लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन दिख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे न्यू यूजर के एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आपका मोबाइल नंबर और आपका कुछ डिटेल्स को भर के आपको काफ़ी आसानी से जो है इसमें अकाउंट बना सकते हैं। ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, सिर्फ आपको मोबाइल नंबर और नाम से ही आपका एक अकाउंट बन जाएगा। तो हमारे पास जो है ऑलरेडी अकाउंट है तो इसलिए हम इसको पैक करेंगे। तो सिंपली हम लॉगिन का जो बॉक्स है इसके अंदर आ जाएंगे और हमारा जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद जो हमारा पासवर्ड है पासवर्ड को भी हम ये बॉक्स के अंदर डाल के सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक किया हमारे मोबाइल नंबर पर 16 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओटीपी को हम सिंपली डाल के हम इधर से लॉगिन नाउ कर देंगे। तो जैसे हमने लॉगिन नाउ के ऊपर क्लिक किया देख सकते हैं कि फिर से हमारे सामने वही इंटरफेस देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारा जो अकाउंट है देख सकते हैं कि इधर हमारा नाम आ चुका है, यानी कि लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर आपको वोटर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है सबसे पहले येलो कलर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको नीचे आपको फॉर्म 8 एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, माइग्रेशन करेक्शन, एपिक रिप्लेसमेंट, PWD मार्किंग, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे लेट स्टार्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपको बता रहे कि आपके पास वोटर आईडी नंबर है या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है। तो अगर आपको वोटर आईडी कार्ड मिल चुका है तो ज़रूर आपके पास नंबर भी होगा। अगर अप्लाई किया है अभी तक आपको नंबर नहीं मिला है तो आप चेक करना चाहते हैं कि आपको वोटर आईडी मिला है, मतलब वोटर आईडी नंबर जनरेट हुआ या फिर नहीं, वो भी आप जो है इधर से सर्च करके आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर है पता कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यस आई हैव ए वोटर आईडी नंबर। उसके बाद आपको सबसे पहले वोटर आईडी का जो नंबर है वो आपको इधर से डाल देना है। आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद आपको इधर सिलेक्ट जो स्टेट है उसके ऊपर आपको क्लिक करके नीचे आपको स्टेट इधर से सिलेक्ट कर लेना है कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद फेच डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। फेच डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो वोटर कार्ड का नंबर, आपका क्या नाम है, क्या उम्र है, क्या पेरेंट्स है, जो भी है, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, ये सारे चीज़ें आपको इधर से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर इधर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सारे चीज़ें एक बार चेक कर लेना है इधर से। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो आधार कार्ड का नंबर है आपको ये बॉक्स के अंदर डाल देना है।
उसके बाद आपको आई एम नॉट एट टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज डोंट हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आप आधार कार्ड देना नहीं चाहते तो ये बॉक्स के अंदर टिक करेंगे। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो ये बॉक्स के अंदर आधार कार्ड डाल देंगे। उसके बाद आपको इधर जो है मोबाइल नंबर एक डाल देना है, आपका एक मोबाइल नंबर बॉक्स के अंदर डाल देना है। उसके बाद अगर आपका ईमेल आईडी कोई है इधर से आप डाल सकते हैं। आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के इधर नेक्स्ट के ऊपर जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपको बताया जा रहा है आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर टू सेलिंग वन, तो ये जो एप्लीकेशन है आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्ट्रल इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन या फिर रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसके लिए आपको जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो है पीवीसी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी पुराना आधार वोटर कार्ड है, उसके लिए हम पीवीसी कार्ड जो है अप्लाई करेंगे तो बिना कोई करेक्शन के, तो तीन नंबर ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो आपके हिसाब से जो भी आप जिसके लिए भी करना चाहते हैं ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपको बता रहे कि एप्लीकेशन फॉर इशू इफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, आई रिक्वेस्ट दैट ए रिप्लेसमेंट एपिक में बी इशूड एज माई ओरिजिनल एपिक। तो इसमें आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इधर पहला वाला ऑप्शन आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो अगर आपका वोटर कार्ड गुम हो जाता है तो आपको उसके लिए एफआईआर करके एफआईआर का कॉपी आपको इधर से अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आप अगर सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रीजन बियॉन्ड कंट्रोल लाइक फूड फायर एंड अदर नेचुरल डिजास्टर, और ये ऑप्शन आप अगर सिलेक्ट करेंगे यानी कि हमारा जो वोटर कार्ड है किसी भी कारण की वजह से हमें जल गया है या फिर फ्लूड के कारण मतलब खराब हो चुका है या फिर जो भी है, आप इधर से सिलेक्ट करेंगे। तीन नंबर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फिलहाल हम दो नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बॉक्स के अंदर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आज का जो एप्लीकेशन का डेट है वो आपको इधर देखने को मिलेगा, साथ में नेम और आपका जो स्टेट सिटी जो भी है एरिया है आप इधर से नीचे बॉक्स के अंदर डालेंगे। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी डिटेल्स आपने भरा है यानी कि आपके वोटर कार्ड में है इसको इधर से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद आपको नीचे कंफर्म का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको एक रेफरेंस नंबर जो है इधर से देखने को मिल जाएगा। तो ये रेफरेंस नंबर को आपको जो है कहीं पर भी नोट करके रखना पड़ेगा। ये नंबर को इस नंबर के थ्रू आप जो है इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये नंबर को हमने जो है कॉपी कर लिया है। उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो ये इसको ट्रैक कैसे करेंगे कि हमारे पास कब आएगा कब हमें मिलेगा, उसके लिए हम वोटर रजिस्ट्रेशन के अंदर फिर से एक बार जाएंगे। उसके बाद आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रैक स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, तो इस बॉक्स के अंदर आपको टिक करना है। उसके बाद रेफरेंस जो आईडी है आपको मिला है वो आपको इधर से एंटर करना है। उसके बाद आपको इधर से स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ट्रैक स्टेटस के आप ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि रेफरेंस नंबर इधर हमारा आ चुका है, हमने कब सबमिट किया है उसका डिटेल्स आपको डेट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका इधर अकाउंट का डिटेल्स, उसके बाद हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है। उसके बाद बीएल अपॉइंटमेंट के पास जाएगा, उसके बाद एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट होगा, उसके बाद फील्ड वेरीफाई होके हमारे पास जो पीवीसी कार्ड है वोटर कार्ड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप घर बैठे आपके मोबाइल से ही आप जो है आपके वोटर कार्ड के लिए एक नया पीवीसी कार्ड मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वोटर कार्ड खराब हो चुका है या फिर गुम हो चुका है तो भी आप जो है एक नया वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो से जुड़े हुए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। पर आने वाले समय में और भी नए नए ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।